रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद मोदी सरकार की विदेश नीति के मुरीद हो गए हैं। मॉस्को में हो रहे एक वार्षिक समारोह के दौरान बात करते हुए पुतिन ने पीएम मोदी की विदेश नीति की खुलकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। यूक्रेन से युद्ध और अमेरिका से तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की। नरेंद्र मोदी उन लोगों में से एक हैं जो एक स्वतंत्र विदेश नीति को लागू करने में सक्षम हैं, जो अपने लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं और कदम उठाते हैं। भारत पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाने के सभी प्रयासों के बावजूद वह सख्त रहे और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसकी भारत को जरूरत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुत कुछ किया गया है। वो सच्चे देशभक्त हैं। मेक इन इंडिया का उनका विचार आर्थिक और नैतिकता दोनों में मायने रखता है। भविष्य भारत का है, इस बात पर गर्व किया जा सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पुतिन भारत की ऐतिहासिक प्रगति से भी खासे खुश दिखाई दिए। उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए उसके 75 साल के सफर का भी जिक्र किया। भारत ने ब्रिटेन की गुलामी से आजाद होने से आधुनिक राज्य बनने तक अपने विकास में जबरदस्त प्रगति की है। लगभग 1.5 अरब लोग और मूर्त विकास परिणाम भारत के लिए सभी के सम्मान और प्रशंसा का कारण है। इस युद्ध में कई मौकों पर भारत और रूस की दोस्ती का इम्तिहान हुआ। भारत ने एक दोस्त की भूमिका भी निभाई और एक उभरती महाशक्ति के तौर पर युद्ध रोकने के लिए पुतिन को समझाने की कोशिश भी की। आपको याद होगा जब SCO की बैठक में पीएम मोदी ने पुतिन को युद्ध रोकने की नसीहत दी थी और उनके इस बयान की पूरी दुनिया ने तारीफ की थी। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। ये मोदी और पुतिन की दोस्ती का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी के एक बार कहने पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को तुरंत फर्टिलाइजर मुहैया कराया, और वो भी एक दो नहीं बल्कि 7.5 गुना ज्यादा। रूसी राष्ट्रपति ने मॉस्को में हुए इस वार्षिक सम्मेलन में ये बातें कही। ब्यूरो रिपोर्ट, Z मीडिया।